हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो आज तो खुश बहुत होगे तुम, आज तो खुश बहुत ज़्यादा होगे। बताऊँ क्यों बहुत ज़्यादा होगे? क्योंकि ना इतना सारा जो चीज़ है ना हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो जो भी ना इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बना था ना, अपने आप के लिए ताली बजा लो। क्योंकि यार इतना बड़ा जर्नी हम लोग का जो चल रहा है और आपका जो डेडिकेशन है हमारे साथ इस बोर्ड एग्ज़ाम को लेके, और आप लोग बने हुए हो और इतना कंप्लीट कर चुके हो, तो अपने लिए ताली बजा लो यार। कभी कभी शाबाशी देनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इस भाई साहब को मैं ख़त्म कर दूंगा, और ये ख़त्म होते ही हमारा जो अध्याय है ना, प्यारा सा समाकलन, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये 13 नंबर का आप लोगों को बताया था, तो ये 13 नंबर आप सभी को मिलना चाहिए, है ना। यहाँ पर देख लो भाई, 13 नंबर आप सभी का होना चाहिए। तो ये लास्ट वीडियो है इस अध्याय का, क्या? निश्चित समाकलन। ठीक है, निश्चित समाकलन के बारे में मैं बात करूँगा। देखो, जो अनिश्चित समाकलन है ना, वो फैमिली ऑफ कर्व निकालने के लिए यूज़ होता है। उसकी बात अभी डिटेल में मैं नहीं करूँगा, अभी ज़रूरत नहीं है। और जो निश्चित समाकलन होता है वो एरिया निकालने के काम आता है, क्षेत्रफल निकालने के काम आता है, मोटा मोटा तौर पर। अभी आप इतना समझिए इसमें। अब हम लोग जो प्लस सी डालते थे, याद है, अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो प्लस सी डाल रहा हूँ और यहाँ पे लिमिट नहीं है। ये जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है 0 to π/4 है यहाँ पे ये। और अगर मैं बोलूँ साइन एक्स डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये लोअर लिमिट है, इतना इंग्लिश भाई सीख लो। ये कहलाता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अगले अध्याय के लिए यही काम आएगा, अगले अध्याय में काम आएगा लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे भी माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिमिट भी पुट करेंगे, ध्यान से देखना है, लिमिट भी पुट करेंगे। तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ए लो। अब इसमें एक लिमिट भी पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0 तो 0 रख दो, अपर लिमिट क्या है π/2 तो π/2 रख दो। प्लस सी नहीं लगाएंगे, इसकी बात कर रहा हूँ अनिश्चित समाकलन की बात कर रहा हूँ, सॉरी निश्चित समाकलन की बात कर रहा हूँ। ये है अनिश्चित समाकलन, यह है अनिश्चित समाकलन, और यह है निश्चित समाकलन। तो देखो निश्चित समाकलन की पहचान क्या है, कि उसमें लिमिट दी रहेगी और इसमें लिमिट नहीं रहेगी। हम लोग प्लस सी लगाते हैं किसमें? अनिश्चित में। ठीक है, ये फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है। इसमें अभी कभी डिटेलिंग में बात करेंगे, वरना मैं जो अपने ऐप वाले ऐप में जो मेरा जो लेक्चर पड़ा है, रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें पूरा डिटेल में बात किया। इसमें हम लोग प्लस सी नहीं लगा लेंगे, क्योंकि एरिया फाइंड करने के काम आता है। तो ये एक्स के सापेक्ष है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह अपर लिमिट रखा, ये माइनस को बाहर निकाला, तो cos x की जगह अपर लिमिट को रख दिया, तो ये हो गया π/2। फिर माइनस माइनस सेम लिखो cos, फिर लोअर लिमिट रख दो x की जगह, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में। और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 -1 -1 होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1, ये आएगा 1। तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी जो मैं बात कराने वाला हूँ, ये यहाँ पे निश्चित समाकलन की बात करने वाला हूँ। तो निश्चित समाकलन की पहचान कैसे करेंगे? यहाँ पे लिमिट दी होगी, ध्यान से देख लेना, लिमिट दी होगी, अनिश्चित में लिमिट नहीं दिया है। जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आएगा। तो फॉर्मूला में कैसे पुट करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो एक्स की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर एक्स में लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0, और कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। क्लियर है क्या बात? देखो मैं इसी को, इस चीज़ को अगर मैं निश्चित समाकलन से किया, तो देखो मेरे को यहाँ पर एक नंबर ऐसे करके मिलता है ये। अगर इसी को मैं अनिश्चित समाकलन से करा, तो यहाँ पे देखो ऐसा टर्म मिलता है ना। तो यहाँ तक आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान देखना है कि लिमिट है कि नहीं है, बाकी सब चीज़ वैसी है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सब क्लियर हो जाए। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ और अपने सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। इसको आप लोग को लिखना है ना, ये जो मैं करवाया हूँ, जो अभी मैं मिटाया हूँ, ये आप लोग को लिखना था। ठीक है, ये आप लोग को लिखना था बोला मैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? प्रश्न एक,
जो लिमिट है 0 से π/4 साइन 2x dx का मान ज्ञात करो। ठीक है सर, ठीक है, लिमिट दिया है सर। सर लिमिट दिया है मतलब क्या होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब कि निश्चित समाकलन की बात हो रही है, निश्चित समाकलन की बात हो रही है। ओके, कोई बात नहीं। तो ये हो गया साइन टू एक्स डी एक्स। ओके, साइन 2x का फॉर्मूला मैं लिखाया नहीं हूँ, साइन x का लिखाया हूँ, लेकिन आप लोग को पूरा कंसेप्ट पता चल गया है। तो ध्यान से देखो, साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, अभी तो मालूम नहीं, लेकिन साइन x का तो मालूम है। तो इसको x मान लो ना यार, इसको x मान लो। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये साइन 2x है, ये साइन 2x, तो इसको x मान लो यार, इसको x मान लो। तो साइन x का क्या होगा, माइनस कॉस x, ये मैं लिखा माइनस कॉस x नहीं लिखूंगा, जिसको x माना उसको लिखूंगा, किसको, 2x। अब उधारी चुकाने के लिए क्या करते हैं, x का गुणांक लिख देते हैं, या जिसको x माने उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। हम x का गुणांक लिखेंगे, क्या है x का गुणांक, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज। लोअर लिमिट क्या है, 0, अपर लिमिट क्या है, π/4। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, -1/2 को मैं बाहर कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन, ये -1/2 को मैं बाहर किया तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो -1/2 को बाहर किया तो ये क्या बचा, cos 2x, और लिमिट क्या है, 0 से π/4। अब आपको लिमिट बस पुट करना है x की जगह, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में अगर करता यहाँ पे dy होता तो y की जगह पुट करता, x है तो x की जगह पुट करूँगा। तो ये हो गया -1/2। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, तो ये cos 2, ये x है क्या, मैं पाई लिख दिया, ओके यहाँ पे x है, ध्यान से देखना ना, ये हो गया cos 2x, ये तो x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, पहले अपर लिमिट, तो π/4, ये 2 का 2 × π/4, अपर लिमिट का काम हो गया माइनस लोअर लिमिट, cos 2 × x की जगह क्या रखूँगा, 0। क्लियर है क्या बात, ये हुआ -1/2, ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, क्या बचा, π/2। cos π/2 क्या होता है, cos π/2 90, cos π/2 की वैल्यू होती है cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, माइनस ये भी 0, ये भी है ना cos 0, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। I = -1/2, 0 − 0 = 0, ये 0 कैसे आ रहा है, कहीं अपन मिस्टेक तो नहीं करे, ध्यान से देखो, अरे cos 0 की वैल्यू 1 होती है यार, साइन और cos में इतना कन्फ्यूजन रहता है। ये I = -1/2, ओके, cos 90 की वैल्यू 0, -cos 0 की वैल्यू 1 होती है भाई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ठीक है, रिविजन में करते रहना आप लोग, देखो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो क्या आया, -1/2, 0 में -1, 0 − 1 − 1 होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये -1/2 और ये हो जाएगा -1, तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1/2 इसका आंसर, 1/2 इसका आंसर है। क्या आप लोग को ये समझ में आया, 1/2 इसका आंसर है। यहाँ पे देख लेना भाई, cos 0 एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन 0 डिग्री होता है 0, और साइन 90 डिग्री होता है 1, और cos 0 डिग्री होता है 1, और cos 90 डिग्री, है ना, cos 90 डिग्री होता है 0। ये बार बार प्रैक्टिस कर लेना भाई, बार बार प्रैक्टिस करना, ये L नहीं है, ये 1 है। क्लियर है क्या आप लोग को बात। और π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब 90 होता है। ये हो गया, देखो सेकंड क्वेश्चन मैं इजी रखा, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बस 4 ही क्वेश्चन कराऊंगा और ख़त्म। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और वैसी टाइप का आएगा आपके एग्जाम में। तो ये क्या दिया है सर, सर ये जो दिया हुआ है मैं देख पा रहा हूँ, तो सर 0 से π/4 sec x into tan x dx। सर इसका फॉर्मूला ना मेरे को कहीं देखा देखा टाइप का लग रहा है, सर इसका फॉर्मूला बताऊँ क्या होता है, sec x tan x का, सर sec x होता है, सर हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन ना कॉपी पीछे पलटेंगे ना तो हम लोग को पता चलेगा कि आप तो ये लिखा चुके हो और हम लोग ध्यान नहीं दिए। अरे भाई देखो यार, देखो है ना, यहाँ पे एक और गलती हो गई क्या, हाँ सही, चलो ये होता है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे पहले अपर लिमिट, तो हो गया ये sec
पाई बाई फोर सेक पाई बाई फोर माइनस फिर जीरो लोअर लिमिट x की जगह लोअर लिमिट सेक सेक जीरो ये जीरो। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस का अपोजिट होता है सेक, मैं आप लोगों को बताया था, अब फिर से नहीं बताऊंगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पूरा एक टेबल लिखाया था, पूरा एक टेबल लिखाया था, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को मालूम है कॉस, कॉस 45 का अगर मैं निकालूं तो क्या होता है 1/√2 और कॉस 0, कॉस 0 का होता है 1, मेरे को ये दोनों मालूम है, मेरे को ये दोनों मालूम है, और मेरे को मालूम है सेक क्या होता है, अपोजिट होता है, ये दोनों अपोजिट होता है। तो कॉस पाई बाई सॉरी सेक पाई बाई फोर क्या होगा, कॉस पाई बाई फोर का उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या है 1/2 किसका है, कॉस का, तो सेक का इसका उल्टा होगा, तो 1/2 को पलट दो, सॉरी 1/√2 है ना, तो 1/√2 को पलट दो, वो किसका होगा सेक पाई बाई फोर का होगा, तो ये √2/1 और बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब इसमें क्या है कॉस 0, कॉस 0 क्या है 1/1 कुछ नहीं है, तो 1/1 उसको पलट दो, पलट दो, अंश बटा हर है पलट दो, हर बटा अंश कर दो, तो वो किसका होगा सेक के केस में होगा, तो क्या आ जाएगा 1 है ना, तो -1 आ गया। ये अभी आ गया हमारा आंसर, आंसर क्या है i = √2 - 1, ये आंसर है। √2 की वैल्यू आप लोग को मालूम है क्या, √2 की वैल्यू होती है 1.414 समथिंग माइनस 1, और अगर आप लोग घटा दोगे तो ये आप लोग को मिलेगा 0.414 समथिंग, ये हो गया। तो ये आंसर हुआ, ऐसा कराया मैं, ये आंसर हुआ। आप लोग यहीं पे भी छोड़ सकते हो, आप लोग यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। √2 की वैल्यू ऐसे मालूम होनी चाहिए 1.414, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाके छोड़ दोगे तो भी सही है, ठीक है। तो ये हुआ आंसर, कोई इसमें दिक्कत है क्या। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक सूत्र याद रखना, एक सूत्र, अगर मैं बोलूँ ए से बी f(x) dx, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a से b f of, देखो ध्यान से देखो, ये जो x है ना, इसको मैं घटा दूंगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट से, क्या बोल रहा हूँ, ये देखो ये है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट में इस x को हटा दूंगा, ये होता है फॉर्मूला, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है। एक और फार्मूला जो है इसी से बनता है, अगर हुआ 0 से a f(x) dx, तो इसका होता है 0 से a f(x), अब देखो 0+a करूँगा, 0+a तो a ही आएगा, तो यहाँ पे लिखा a, माइनस x, ये दोनों सेम फार्मूला है, ध्यान से देख लेना, बस a की जगह क्या कर दिया मैं, 0 कर दिया, तो एक ही जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा यहाँ पे मैं 0 कर दिया, यहाँ पे b की जगह a कर दिया, कोई बात नहीं, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो इसमें हम लोग कैसे किए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करे और फिर माइनस x कर दिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस x कर दिए। इसमें भी मैं वही कर रहा हूँ, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, अगर मैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करूंगा तो 0+a 0 ही आएगा, उसमें मैं x को माइनस कर दिया। तो ठीक है, ये दो फार्मूला याद रखना, यहाँ पे लिमिट में देख लेना, लिमिट में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कुछ रहेगा, कुछ लिमिट रहेगा, यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे 0 नहीं, क्लियर है। तो अभी इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे लगने वाला है। चलो अब ध्यान से देखो, जब कभी भी ऐसा आएगा tan कभी भी दिया रहेगा तो हमेशा साइन के टर्म में चेंज करना, साइन और कॉस के टर्म में। तो यहाँ पे देखो आई में लिखा पाई बाई सिक्स और यहाँ पे है π/3 dx, हम लोग को सिद्ध कर रहे हैं ना, ये देखो इतना बराबर इतना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ बराबर राइट हैंड साइड, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, ये हुआ 1+√tan x, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, अभी पूरा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये लेके आऊँगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि tan x होता है sin x अपॉन cos x होता है, उसी प्रकार √tan x हो जाएगा √sin x अपॉन √cos x, कुछ नहीं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया i, क्या है लिमिट में π/6 से π/3, है ना, क्लियर है क्या, dx 1+1+ √10 की वैल्यू डाल रहा हूँ, ये हो जाएगा √sin x
रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स। अब इसका लघुत्तम निकाल रहा हूँ, बस ध्यान से देखते रहो, हो गया, बस ध्यान से बस देखते रहो। यहाँ पे है पाई बाई सिक्स और ये है पाई बाई थ्री। इसका लघुत्तम निकालूंगा तो रूट कॉस एक्स आएगा, ठीक है ये। इसका लघुत्तम निकालूंगा तो रूट कॉस एक्स आएगा, रूट कॉस एक्स आएगा, रूट कॉस एक्स। अगर मैं लघुत्तम सॉल्व करूंगा तो रूट कॉस एक्स यहाँ आ जाएगा, ये रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ये सिंपल लघुत्तम है, अगर ये भी नहीं आया तो फिर दिक्कत है। ये आप लोग उतार लिए होंगे तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ, यह आप लोग उतार लेना भाई, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से बस देखते रहना, ये लघुत्तम बस निकाला मैं, लघुत्तम निकाला। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा वन है। वन और रूट कॉस एक्स का लघुत्तम क्या का, रूट कॉस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, रूट कॉस एक्स का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो रूट कॉस एक्स आएगा, वन का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आएगा बटे इतना, ठीक है। लघुत्तम निकालना आप लोग को आता है, मेन मेथड से निकाला करो। अब ये क्या है, अंश बटा हर है, तो ये जो है ना रूट कॉस एक्स ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हुआ सिंपल पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री, रूट कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, ये हो गया रूट कॉस एक्स अपॉन अपॉन यहाँ पे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स। यहाँ पे ध्यान से बस देखते रहना, ध्यान से बस देखते, हो गया। इसको समीकरण एक दे दो, समीकरण दे दो। मैं बोला जब कभी भी टैन आ जाएगा ना, आप लोगों को टैन दिखना है तो सबसे पहले यही स्टेप करते जाना, ठीक है क्या। सिमिलरली ना आप लोगों को सब क्वेश्चन बनते जाएगा, बस ध्यान से देखना है, समीकरण एक आ गया, ठीक। तो यहाँ पे रूट टैन था तो रूट टैन को मैं ऐसे फार्मूला वार्मूला लगा के मैं ये कर दिया, समीकरण एक हो गया। अब फार्मूला पुट करूँगा, अब फार्मूला पुट करने के लिए जा रहा हूँ मैं, अब देखते रहना ना, गणित की ब्यूटी देखना। तो आप लोग को जो मैं लिखाया था ना इंटीग्रेशन ए टू बी वाला पहला फार्मूला जो है ना, वही मैं पहला फार्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, बस ध्यान से देखते रहना, पहला फार्मूला लगा रहा हूँ। ये हो जाएगा पाई बाय थ्री। मैं क्या कर रहा था, एक्स को कैसे कर रहा था मैं, ये जो एक्स है इसमें क्या कर रहा था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट में एक्स को हटा दे रहा था। ये कॉस का कॉस लिखा मैं, फिर क्या लिखूंगा, लोअर लिमिट ये पाई बाय सिक्स प्लस अपर लिमिट पाई बाय थ्री माइनस एक्स कर दूंगा, माइनस एक्स ये बटे। इधर भी ऐसे करूंगा, सब एक्स है, जहां जहां पे एक्स है उसके साथ साथ यही खिलवाड़ करेंगे अपन। तो ये हो गया कॉस पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री माइनस एक्स कर दो, माइनस एक्स कर दो। क्यों कर रहे हैं सब पता चलेगा अभी, फिर इस एक्स के साथ यही करना है हमको, जहां जहां पे भी एक्स दिख रहा है। तो साइन साइन पाई बाई सिक्स मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मतलब पाई बाई थ्री माइनस एक्स और ये डी एक्स, क्लियर है क्या। अब देखो पाई बाई सिक्स होता है थर्टी, यह आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। पाई बाई सिक्स है, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 रख दो, 6 कम 6, 6 18 और ये 0, तो मतलब 30 आया। तो पाई बाई सिक्स का मतलब होता है 30 और पाई बाई थ्री का मतलब होता है, पाई बाई थ्री का मतलब होता है 180 बटा 3 60 होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पाई बाई सिक्स मतलब 30 प्लस पाई बाई थ्री मतलब 60, 30 प्लस 60 कितना होता है 90 और 90 को मैं पाई बाई टू लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसकी जगह इन दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा, 30 प्लस 60 कितना होगा 90 और 90 को पाई बाई टू भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये हो गया पाई बाई सिक्स और ये हो गया पाई बाई टू, पाई बाई टू ये क्या हो जाएगा, रूट कॉस यहाँ पे देखो 30 प्लस 60 होगा 90 और 90 को बोलता हूँ पाई बाई टू माइनस एक्स ये अपॉन अपॉन, यहाँ पे भी वैसी होगा पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री मतलब 30 प्लस ये क्या होगा 30 प्लस 60 क्या होगा 90, तो ये हो जाएगा कॉस 90 को मैं लिखता हूँ पाई बाई टू, रेडियन में चल रहे तो सब रेडियन में जान दो, ये माइनस एक्स, फिर प्लस करके क्या है, प्लस करके क्या है, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 90, ये हो जाएगा साइन 90 साइन 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स ये डी एक्स, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब देखो बस ध्यान से देखना, वह आ गया। अब अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा प्यारा सा, एक फार्मूला लगेगा प्यारा सा, इसको ना देख के घबराना मत यार, ये आप लोगों को ना 6 नंबर देके जाएगा। देखो 90 माइनस थीटा, आप लोगों को चतुर्थांश वाला बता चुका हूँ, यहाँ पे क्या है कॉस 90 माइनस एक्स है, तो 90 में साइन चेंज होता है और 90 माइनस एक्स पहले चतुर्थांश में होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो जब कभी भी 90 आता है तो मतलब पेयर चेंज होता है और कॉस का पेयर क्या होता है, साइन होता है। तो कॉस
90 माइनस एक्स क्या होगा साइन, ये रूट का रूट साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स। अब पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा 90 है तो चेंज होगा, पेयर चेंज होगा, कॉस का पेयर होता है साइन, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है, बता चुका गया है ना। और 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है इसलिए यहाँ पे धनात्मक लगा है, अदरवाइज यहाँ पे मैं ऋणात्मक लगाता अगर दूसरे चतुर्थांश में होता तो देख के। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा 90 में चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा नहीं है यहाँ पे एक्स है, ये समीकरण दो ध्यान से देखना, ये मैं क्यों किया। यहाँ पे क्या है देखो, अंश बटा हर है, हर में आप लोग देखो रूट कॉस प्लस साइन एक्स, यहाँ पे भी वही है रूट कॉस प्लस साइन एक्स सेम आ गया। अब आगे पीछे चलता है भाई, दो धन तीन भी पांच होता है, तीन धन दो भी पांच होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यहाँ पे भी वही है देखो रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आप कॉस को पहले लिख दो, दोनों सेम हो जाएगा, तो दोनों का हर को सेम बनाने के लिए ये मैं किया, तो ये फॉर्मूला लगा के किया। अब यहाँ पे इसको मैं मिटा दूंगा तो पूरा मेरा सॉल्व हो जाएगा आंसर, पूरा मेरा जो आंसर है वो सॉल्व हो जाएगा, तो ध्यान से आप लोग देखते रहना, बस आ गया, बस आ गया। अब देखो क्या है, ये समीकरण एक और समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण दो को मैं जोड़ रहा हूँ, समीकरण एक और समीकरण दो को मैं जोड़ रहा हूँ, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ रहा हूँ, तो ध्यान से देखते रहना। ये समीकरण एक और समीकरण दो, तो आई प्लस आई, आई प्लस आई हो गया टू आई, आई प्लस आई हो गया टू आई बराबर। अब इन दोनों में से जो कॉमन है उसको ले रहा हूँ मैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये इंटीग्रेशन और ये लिमिट कॉमन है, तो ये मैं ले लिया इंटीग्रेशन पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री, ये है ठीक है, एक बार बस लिखा मैं, एक बार लिखा। अब जो है उन लोग को मैं लिख देता हूँ, तो क्या है यहाँ पे रूट कॉस एक्स है प्लस रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, और इसमें क्या है रूट कॉस एक्स को पहले लिख ले रहा हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, ये डी एक्स, मैं क्या किया बस दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। अब अगर मैं लघुत्तम निकालूँ, अब अगर मैं लघुत्तम निकालूँ ये टू आई हो जाएगा, ये पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स और पाई बाई थ्री, अगर मैं दोनों का लघुत्तम निकालूँ तो दोनों सेम है, देखो यहाँ पे लघुत्तम दोनों सेम है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स दोनों का लघुत्तम सेम है, तो मेन क्या करते हैं इससे अगर मैं इसको भाग दूंगा तो वन आएगा और वन का गुणा इससे करूंगा, सिर्फ लघुत्तम निकाल रहा हूँ तो कॉस एक्स आएगा प्लस, इन दोनों को अगर डिवाइड करूंगा, लघुत्तम निकालना आता है ना, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये और ये कट जाएंगे तो वन आएगा, वन का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स, ये देखो ये सेम हो गया। अब आगे पीछे है तो इसको वो मत करना भाई, इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है दोनों सेम है, ये दोनों कट गया तो क्या आएगा वन आएगा, ये हो गया टू आई इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री वन इंटू डी एक्स, वन इंटू डी एक्स मतलब कि डी एक्स, और डी एक्स का क्या होता है, डी एक्स का क्या होता है ये टू आई, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन ये पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन सर एक्स होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन सर एक्स होता है, तो ये टू आई, यहाँ पे मैं लिखा एक्स और यहाँ पे लोअर लिमिट पाई बाई सिक्स अपर लिमिट पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या होता है ध्यान से देखो, ये क्या होता है पाई बाई थ्री है माइनस पाई बाई सिक्स, ओके तो इसका लघुत्तम ले लेता हूँ या मैं ऐसे कर लेता हूँ, पाई बाई सिक्स को मेरे को मालूम है पाई बाई सिक्स होता है थर्टी माइनस पाई बाई सिक्स है, पाई बाई सिक्स होता है मेरा पाई बाई सिक्स थर्टी होता है, पाई बाई सिक्स मेरा थर्टी होता है और ये क्या होता है सिक्सटी, तो सिक्सटी माइनस ये सिक्सटी होता है क्या, हाँ सिक्सटी माइनस थर्टी क्या होगा, सिक्सटी माइनस थर्टी क्या होगा, सिक्सटी माइनस थर्टी, सिक्सटी माइनस थर्टी है देख लो, सिक्सटी माइनस थर्टी, सिक्सटी माइनस थर्टी थर्टी होगा और थर्टी को क्या लिखता हूँ पाई बाई सिक्स, ये पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स। अब मेरे को तो आई की वैल्यू चाहिए ना, इस दो गुणा में है ना तो उसको भाग में कर दूंगा, तो आई मेरा फाइनली क्या आया, आई मेरा फाइनली आया पाई, ये दो भाग में गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो छः गुणा दो मतलब बारह हो जाएगा, देखो पाई बाई टू, राइट हैंड साइड देखो पाई बाई टू, तो हो गया सिद्ध, हो गया सिद्ध, ऐसे करना था, ये हो गया सिद्ध हो गया। अब ये आप लोग का होमवर्क, ये आप लोग का होमवर्क, ये लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क, आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये जो है
इसमें आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है सेकंड वाला। सेकंड वाला फॉर्मूला याद है, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स का फॉर्मूला लगाना है। समीकरण एक और समीकरण दो आप लोग को करना है। ये समीकरण एक हो जाएगा जो दिया है, ये समीकरण एक हो जाएगा और आप लोग समीकरण दो करोगे, ठीक है, या ये समीकरण एक नहीं होगा तो आप जिसको लेना चाहते हो वो करोगे। समीकरण एक प्लस समीकरण दो आप लोग करोगे, फिर देखना इन दोनों को ऐसा ही जोड़ दोगे, इन दोनों का एलसीएम सेम आएगा। समीकरण एक और समीकरण दो का एलसीएम जो है ना, अंश बटा हर है ना, हर वाला पार्ट दोनों सेम आएगा, कुछ ना कुछ कैंसल होगा, आप लोग ये देखेंगे तो ये आप लोग करोगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो सेम कंसेप्ट है, आप लोगों को बस करना है। तो ठीक है बच्चों, ये अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। अच्छे से पढ़ते रहिए, बोर्ड पेपर का सवाल है, मतलब सफलता मतलब चाहिए ही चाहिए, मतलब आप लोग ना संघर्ष इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।